जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप Banggood.com से किस तरह शॉपिंग कर सकते हैं। यानी इस ऐप पर जो है कैश ऑन डिलीवरी का कोई ऑप्शन नहीं होता, हमें जो है पहले अपने कार्ड से पेमेंट करनी होती है। इसलिए मैं आज बताऊंगा आपको कि आपको किस तरह इसे पेमेंट करनी है और आप किस तरह शॉपिंग कर सकते हैं इससे। दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और जो सर्च बार में आपको लिखना है Banggood, Banggood, और जो पहले नंबर पर आप देख सकते हैं इजी ऑनलाइन शॉपिंग, ये जो एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। ये मैं पहले डाउनलोड की हुई है, ये अपडेट मांग रही है, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से ही आप आसानी से। हाँ जी दोस्तों, आपको यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर जो है साइन इन लिखा हुआ है। अगर आपका पहले अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर जो है ईमेल भर के पासवर्ड भर के अपना साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे जो गूगल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपका जो भी ईमेल है उसके द्वारा इसको जो है लॉगिन करके पासवर्ड डाल लेना अपना और ये आसानी से जो है लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट से, आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मिस्टर पेंडू, और उसी के साथ ही यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ डालना है। तो यहाँ पर राइट साइड पर ऊपर कॉर्नर में जो सेटिंग का एक बटन बना हुआ है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो ये सेटिंग सारी इस ऐप की जो खुल जाएगी, जिस पर आपको ये सेकंड नंबर पर जो ऑप्शन दिया हुआ है एड्रेस बुक, यहाँ पर जो आपको क्लिक करना है। ये जो मैंने पहले एक एड्रेस अपना भरा हुआ है जहाँ पर जो है मैं सामान अपना मंगाता हूँ, और जहाँ पर जो नीचे न्यू एड्रेस दिया हुआ है ऐड न्यू एड्रेस, आपको इस पर क्लिक करना है। और जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आप जो जिस जगह पर रहते हो और जहाँ पर आपने जो अपना प्रोडक्ट मंगवाना है वो आप यहाँ पर डाल देना, जैसे कि ऊपर जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपने जो कंट्री, जो स्टेट है आपका, और उसके बाद सिटी, और जो एड्रेस है आपका फुल एड्रेस। सेकंड एड्रेस जो मांग रहा है वो ऑप्शनल ही है, यानी कि अगर आपके पहले एड्रेस पर कोई उनका जो ऑर्डर नहीं रिसीव करता तो वो जो आपके सेकंड एड्रेस पर जो ऑर्डर भेज सकते हैं। और उसी के साथ नीचे आपको अपना पोस्ट कोड जो नंबर होता है वो भरना है और अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी देना है, ताकि जब आपका प्रोडक्ट आ जाए तो आपको वो कॉन्टैक्ट कर सकें। और ये सब भरने के बाद आपको इसे सेव कर देना है और इस तरह का जो आपका सेव हो जाएगा, जैसे कि ये मैंने किया हुआ है यहाँ पर। और अब हम बैक आ जाते हैं। दोस्तों, अब हम जो है आपको एक प्रोडक्ट खरीद कर मैं आपको बताता हूँ आपको जो है पेमेंट किस तरह करनी है इसकी। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना है ऊपर जो सर्च बार में सर्च कर लेना, जैसे कि मुझे जो है 12 वोल्ट की जो है मोटर बाय करनी है, जो मैंने यहाँ पर जो लिख दिया है 12 वोल्ट 775 जो मोटर, तो यहाँ पर जो मैं सर्च मार देता हूँ इसको। और ये देखिए, उसके बाद जो मेरे सामने जो है मोटर आ चुकी हैं, अलग अलग ऑप्शन मिल गया मेरे को। और जो भी आपको इससे जो मोटर ख़रीदनी है आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें जो आपको सारा कुछ बताया होगा, इसकी वोल्टेज, RPM सब कुछ। और जैसे कि हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, ये जो 775 मोटर है DC 12 वोल्ट, 12 से जो 36 वोल्ट की है ये मोटर, और जो इसकी RPM है वो 3500 से 9000 RPM की मोटर है, ये हाई पावर मोटर। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं इसका जो शिपिंग चार्जेस हमें बताए हुए हैं 35 रुपये, और उसी के नीचे जो आपके एड्रेस पर इसे पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो भी उन्होंने बताया हुआ है, जैसे कि 15 से 25 दिन जो बिजनेस डेज वो बता रहे हैं। बिजनेस डेज होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर बीच में कोई छुट्टी आ रही है तो वो काउंट नहीं होगी, जो रेगुलर हमारे डेज होते हैं वो काउंट होते हैं इसमें। और उसी के साथ जो है आप नीचे कस्टमर का जो रिव्यू है वो भी देख सकते हैं, जैसे कि ये जो मोटर की पिक किसी ने डाली है जिसने ऑर्डर किया था, उसके बाद जो है इस तरह की मोटर पहुंची है। और ये नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग सभी ने अपने अपने जो है रिव्यू डाला हुआ है, आप ये भी चेक कर सकते हैं वो नीचे जो कमेंट करते हैं कि उनके पास जो प्रोडक्ट किस तरह का पहुँचा है। और उसी के साथ ये जो नीचे लिखा हुआ है बाय नाउ, अगर आपको ये ख़रीदना है तो बाय नाउ पर आप क्लिक करना इस तरह। और ये जो आपसे क्वांटिटी पूछेगा कि आपको कितनी मोटर्स चाहिए, 1, 2, 3 जितनी भी आपको चाहिए आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें सिर्फ एक मोटर चाहिए तो हम जो है एक करके बाय नाउ पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा हमारे सामने, जिस पर कि ऊपर आपका जो एड्रेस बताया होगा, जो भी आपने एड्रेस फिल किया है इसमें, जिस पर जिस एड्रेस पर आपको ये मोटर मंगवानी है वो आपको ऊपर जो है मेंशन हो जाएगा। और उसी के साथ जो है आपके ऑर्डर की डिटेल आ जाएगी सारी, कि आपका कौन सा ऑर्डर है, उसका प्राइस वगैरह सब कुछ। और उसी के साथ ये नीचे जो है पेमेंट का जो मेथड है वो भी आपको बता दिया जाएगा कि आप 2 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और पेपैल से।
यानी कि अगर आपका पेपैल पर अकाउंट है तो आप पेपैल से भी पेमेंट कर सकते हैं, और अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आप उसी से भी कर सकते हैं। और उसी के साथ जो है नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट्स का ऑप्शन आ रहा है, ये जो एक इस ऐप में होता है जिससे आपको जो है डिस्काउंट मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मोटर का प्राइस है वो 836 है, यानी कि जो मोटर का प्राइस है वो 836 है। और आप यहाँ पे जो तीसरे नंबर पर ऑप्शन देख सकते हैं इसमें जो है मुझे 836 में से जो है 70 रुपये का जो है डिस्काउंट मिला है, और आप नीचे देख सकते हैं टोटल अमाउंट मेरा है 818, यानी कि 818 रुपये जो है मेरे को इस मोटर के जो है पे करने पड़ेंगे, यानी कि मेरे को जो है 70 रुपये का डिस्काउंट मिला है इसमें। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप ये जो डिस्काउंट है किस तरह ले सकते हैं, ये जो आपको पॉइंट्स हैं ये कैसे इकट्ठे करने हैं, और मेथड से भी आपने जो है पेमेंट करनी है आपको वो फिल करना है। जैसे कि यहाँ पर जो मेरा जो मेथड है पेमेंट का वो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो आपको जिस डेबिट कार्ड से भी आपने पेमेंट करनी है उसी व्यक्ति का जो है पैन कार्ड नंबर आपको इसमें डालना पड़ेगा। यानी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जिससे भी पेमेंट कर रहे हैं उसका जो है पैन कार्ड बना हुआ होना चाहिए, अगर पैन कार्ड नहीं होगा तो ये पेमेंट यहाँ से नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आपको जो है 10 डिजिट्स का जो है पैन कार्ड होता है वो यहाँ पे जो फिल करना है। चलिए मैं यहाँ पे जो है पैन कार्ड का जो नंबर है वो फिल कर लेता हूँ। दोस्तों जो है पैन कार्ड भरने के बाद जो है इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, यहाँ पर जो आप नीचे देख सकते हैं आपकी जो पेमेंट टोटल दी हुई है कि 818 रुपये को जो आपको पेमेंट करनी है इंडियन रुपीज़ में, और उसी के साथ यहाँ पे जो आपको अपना नेम भरना है जो आपका एटीएम का या जिस कार्ड से आप यूज़ कर रहे हैं पेमेंट उस कार्ड का जो नेम है पूरा वो आपको भरना है, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन में जो है आपको कार्ड का नंबर भरना है जो कार्ड के ऊपर ही लिखा होता है, और उसी के नीचे जो तीसरा ऑप्शन है इसमें आपको 3 जो डिजिट्स का जो एक कोड होता है वो कार्ड के पिछली साइड होता है वहाँ पे जो है लास्ट वाले 3 डिजिट दिए होते हैं वो आपको भरने हैं यहाँ पर। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है जहाँ पे जो आपका कार्ड का एक्सपायरी डेट है वो आपके कार्ड के पीछे ही जो मेंशन होता है आप वहाँ से देख के यहाँ पे जो फिल कर लेना, और ये जो 4 ऑप्शन जो फिल करने के बाद आपको जो है पे पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद जो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी फिल करने के बाद जो है आपके अकाउंट से आपकी जो है पेमेंट वो कट जाएगी और जो आपका ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद जो आपको एक मैसेज आएगा जिसमें आपको पूरा जो है ट्रैकिंग का लिंक दिया होगा आप वहाँ से जो अपना प्रोडक्ट ट्रैक कर सकते हैं, और उस मैसेज में जो है आपको पूरी डिटेल दे दी जाएगी कि आपका प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच गया है और आपका प्रोडक्ट कितने दिनों में आप तक पहुँच जाएगा, और वो सब जो है आप वहाँ से ट्रैक कर सकते हैं मैसेज के ज़रिए। और दोस्तों अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है आपका जो है प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुँच पाया या जो है लेट हो गया, तो आप यहाँ पर ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस, और आप यहाँ पर जो है क्लिक करके आप जो है banggood.com से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन सर्विस से कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं, तो आप इन किसी ऑप्शन से भी आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका जो सलूशन किया जाएगा। और उसी के साथ अगर आपको चेक करना है कि आपका जो ऑर्डर है वो सही तरीके से जो है प्लेस हो चुका है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है माई ऑर्डर इस पर आपको क्लिक करना है, और जो है माई ऑर्डर पर आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं ये नीचे जो है सेकंड ऑप्शन है ट्रैक का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से जो है मैं इसको ट्रैक कर सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ तक पहुँच गया है, और उसी के साथ ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं फर्स्ट पर ये जो कह रहे हैं पेमेंट जो है पे करनी है, जो कि हमने पे नहीं की है क्योंकि हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पे कर ली होगी तो यहाँ पे जो है ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे ट्रैक कंफर्म डिलीवरी, यानी कि 2 ऑप्शन आ जाएंगे, और ये जो नीचे वाला प्रोडक्ट है ये सारे मेरे तक पहुँच चुके हैं इसलिए यहाँ पर जो है शिप्ड लिखा हुआ है। बाकी जो आपको ये देखिए ऊपर जो स्टेटस दिया जा रहा है कि पेमेंट पेंडिंग है आपकी, इस तरह आपको यहाँ पे जो है स्टेटस पूरा बताया जाएगा, आप आसानी से जो है ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। और इस वीडियो में इतना ही आपको बताना था, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इस पर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आप जो ऑफ रोडिंग कार्स वगैरह वो लो प्राइस में जो कौन सी बढ़िया रहेंगी आपके लिए, वो मैं सारा जो है लिस्ट बना के आपको अगली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो भी भाई चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जरूर कमेंट है दस्यो हिंदी कोई पल्ले पई के बस एवं ही है सिर उत्तों की लंघी, तो जे समझ किसी लगी हिंदी अपनी माड़ी मोटी भी, तो अगली वीडियो जी आप हिंदी बनावे नहीं तो चलन पंजाबी फिर वेखी जाऊगी।